हेलो नमस्कार प्रिंस, हमारे चैनल में आपका स्वागत। हम एक और आपको बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश दिखाने वाले सरकारी आदेश है, ठीक है फ्रेंड्स। अतिथि शिक्षकों के हनन व अधिकारों को लेकर सरकारी आदेश जारी किया गया है, ठीक है। इसके आधार पर अतिथि शिक्षक कार्य कर सकते हैं, इसी सरकारी आदेश है, ठीक है। इसमें हनन के बारे में बताया गया है, अतिथि शिक्षकों का कोई अधिकारी हनन करता है या शोषण करता है उससे बचाव के संबंध में भी यह आदेश है, या अतिथि शिक्षकों को किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है उसके संबंध में आदेश जारी किया गया। तो इसके पूरे पॉइंट को मैं विस्तार से बताऊंगा, पूरी विस्तार से इसकी मैं जानकारी दूंगा। वीडियो बनी है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अपडेट पा लें, ये कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी सीधी मध्य प्रदेश द्वारा जारी किया गया, पूरे प्रदेश भर में यही आदेश रहेगा क्योंकि ये सरकारी आदेश है। इसमें बोला गया प्रीति जुबेजी समस्त सचिव रीवा संभाग को, ठीक है फ्रेंड्स, भारतीय मानव अधिकार नई दिल्ली, अधिकारों के हनन के संबंध में। विषय है अतिथि शिक्षकों के अधिकारों के हनन या शोषण से बचने के संबंध में है, ठीक है। कोई प्राचार्य या नियमित शिक्षक अतिथि शिक्षकों का शोषण नहीं कर सकता है, इसके संबंध में बचाव है। अतिथि शिक्षक इस आदेश को दिखाकर अपना बचाव कर सकते हैं। इसमें क्या बोला गया पूरी विस्तार, विषयांतर का लेख है कि अतिथि शिक्षक शिक्षा विभाग के शासकीय कर्मचारी नहीं माने जाते और शिक्षा विभाग में शिक्षकों की आकर्षक कमी होने पर अतिथि शिक्षकों को पूर्वत अस्थायी विकल्प व्यवस्था है जिससे प्रति पीरियड अध्ययन कार्य के आधार पर मानदेय दिया जाता है। अतिथि शिक्षकों को नियमित शिक्षक या सरकारी कर्मचारी की तरह ELCL ML या अवकाश या PF का कोई प्रावधान नहीं है, अर्थात सरकारी कर्मचारियों की शर्तों का पालन करने की बाध्यता नहीं है, ठीक है। कोई सरकारी नियम की बाध्यता नहीं है इनके पास में। और कोई भी अतिथि शिक्षक शाला में निर्धारित अपना पीरियड पढ़ाने के बाद अध्ययन कार्य समय छोड़कर अन्य कार्य के लिए स्वतंत्र है, ठीक है। कोई भी कार्य कर सकता है अतिथि शिक्षक होने के बावजूद भी, अन्य कार्य कोई भी कर सकता है, किसी प्रकार की रोक नहीं है। और कोई भी अतिथि शिक्षक किसी भी राजनीतिक पार्टी पदाधिकारी बनने या जनप्रतिनिधि का चुनाव लड़ने, कोचिंग चलाने या बीमा कंपनी में एजेंट बनने जैसे अन्य सामाजिक कार्य करने के लिए स्वतंत्र है। यदि किसी संस्था में अतिथि शिक्षक के रूप में कार्यरत है और संस्था में अनुपस्थित रहते हैं तो उसे मानदेय का भुगतान नहीं होगा। और अतिथि शिक्षक शासकीय कर्मचारी की आवश्यक शर्तों से मुक्त है। इस कार्यालय से किसी भी अतिथि शिक्षकों के साथ शासकीय शिक्षकों की शर्तों को न मानने का किसी भी प्रकार की कार्यवाही के विरुद्ध नहीं की गई है, ठीक है। आने अगर ये शर्त नहीं मानते तो उसके ऊपर कोई भी कानूनी कार्यवाही नहीं की जा सकती है। जिला शिक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर सीधी, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी।